नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं बात करता हूं आपके मतलब की बातें। आज मैं आपको वेट लॉस करने के लिए एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो एकदम कारगर है और आप पे 100% काम करेगा। मैं उस उपाय को बताऊं उससे पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जो गुड़हल का क्या क्या इस्तेमाल होता है। गुड़हल आयुर्वेद में गुड़हल को एक पेड़ को एक संपूर्ण औषधि के रूप पर देखा जाता है। इसकी जड़ से लेकर फूल तक हर चीज़ का किसी न किसी बीमारी के लिए रामबाण उपाय होता है। मैं इनके फ़ायदे में तो इनके जो भी जड़ फूल और वगैरह वगैरह हैं उनके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वेट लॉस आप कैसे कर सकते हैं। वैसे आपको जो गुड़हल है वो जो लाल कलर का होता है वही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये कई और रंगों में भी होता है, गुलाबी, सफ़ेद, पीला, बैंगनी भी होता है, परंतु आपको लाल कलर के गुड़हल के फूल का ही इस्तेमाल करना है। वेट लॉस के लिए गुड़हल का इस्तेमाल उसकी चाय के तौर पर किया जाता है, क्योंकि गुड़हल की चाय में नेचुरल फैट बर्न करने वाले गुण पाए जाते हैं तथा गुड़हल में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में सुधार करते हैं। साथ ही इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आपको हाई ब्लड प्रेशर और लीवर से जुड़ी समस्याएं और शरीर में सूजन की कहीं सूजन है तो उससे भी लाभ दिलाते हैं। अब मैं बताता हूं आप गुड़हल की चाय कैसे बनती है। इसके लिए आप 2 कप पानी में गुड़हल के फूल लें और उसकी सूखी पत्तियों को डाल दीजिए। पहले आपको पत्तियां आपको ढक के सुखानी है, डायरेक्ट धूप में नहीं सुखानी है। जब पानी आधा रह जाए तब इसे उतार कर छान लीजिए। फिर इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें तथा शहद मिला दीजिए। मेरी आवाज़ आप मेरे जो मैं बोल रहा हूँ आराम से मतलब एक जगह नोट कर लीजिए आप। गुड़हल की स्वादिष्ट चाय अब तैयार हो चुकी है। इसे रोज़ दिन में 2 से 3 बार सेवन करिए। इस चाय को पीने से आपको अपने शरीर में खुद फ़र्क नज़र आने लगेगा। अगर आपके लिए इस तरीके से चाय बनाना मुश्किल है तो आप बाज़ार से या फिर आप ऑनलाइन इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको नहीं कहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ होता है तो प्लीज़ आप एक लाल जो नीचे कलर बटन है उसको दबा के मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से आपको भविष्य में भी हमारी इन्फॉर्मेशन्स मिलती रहेंगी।